आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन सतीश शर्मा का 17 फरवरी को निधन हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कैप्टन सतीश शर्मा के पुत्र समीर शर्मा ने कैप्टन सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम कंधा दिया। आपको बता दें, उत्तराखंड देहरादून जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता श्री राम शरण नौटियाल ने दिल्ली से दूरभाष पर जानकारी देते हुए कहा कि उनके पारिवारिक मित्र कैप्टन सतीश शर्मा का गोवा में 17 फरवरी 2021 को देर रात 8:16 पर निधन हो गया। तत्पश्चात उनके पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस द्वारा गोवा से दिल्ली लाया गया और आज लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। नौटियाल जी ने बताया कि कैप्टन सतीश शर्मा कैंसर बीमारी से ग्रसित थे और लंबे समय से बीमार थे। कैप्टन सतीश शर्मा नरसिम्हा राव सरकार में वर्ष 1993 से 1996 तक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। नौटियाल जी ने भावुक होकर बताया कि मैंने अपना मार्गदर्शक आज खो दिया तथा आजीवन उनकी मुझे कमी खलती रहेगी। सतीश शर्मा उदार व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ खुददार एवं अपनों के प्रति विश्वास पात्र व्यक्ति भी थे। अंतिम संस्कार में शर्मा की पत्नी स्टेरा शर्मा, पुत्री सारिका, बहन सुनीता, प्रियंका गांधी, कमलनाथ एवं उनके नजदीकी के एल शर्मा, रामशरण नौटियाल तथा कई पारिवारिक मित्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज। राजनीति में कौन कौन सा मुकाम हासिल कर रहे थे उन्होंने? राजनीति में कैप्टन सतीश शर्मा जो है रायबरेली से अमेठी से सांसद रहे, रायबरेली से सांसद रहे और राज्यसभा सदस्य रहे, दो बार वो 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे और उत्तराखंड के ही वो राज्यसभा सदस्य रहे। यहाँ जो उन्होंने बहुत काम किए हैं, उनका एक बड़ा देशव्यापी औरत संगठन, कोई एक जिले या और एक प्रदेश को लेकर नहीं, राजीव गांधी के मित्र होने के साथ साथ उनके सहयोगी रहे और लगातार कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे। जैसे मुझे उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि अंतिम सांस लेने से पहले भी उन्होंने देखा कैसा टीवी में कांग्रेस की विजय हुई है, तो अपने पार्टी के प्रति जो निष्ठा थी, उनके चेहरे पर एक स्माइल आई, उसके बाद बताते हैं डेथ हो गई। मैं उनसे पारिवारिक रूप से जुड़ा था और 30 साल का हमारे पारिवारिक संबंध है, आगे भी रहेंगे, बच्चों के साथ भी रहेंगे। राजीव जी के काफ़ी करीबी रहे हैं और काफ़ी जगह पर उनकी मदद भी करी है उन्होंने दोस्त के नाते। राजीव जी और उनका एक दोस्ती का रिश्ता था। राजीव गांधी पायलट थे और उसी जहाज में कैप्टन साहब कैप्टन थे, तो ही वॉज सपोज टू बी सीनियर और उसी दोस्ती के कारण कैप्टन साहब को राजनीति में लाए और जहाँ तक देने लेने की बात है, मदद करने की बात है, उसको मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो जब दोस्ती में ये सारी चीज़ें जो गौण होती है गिनी नहीं जाती है, लेकिन उन्होंने राजीव जी के लिए दिल जान से काम किया, रात दिन काम किया और अपनी पार्टी के लिए दिल जान से काम किया। माना जाता है जब इंदिरा जी की डेथ हुई थी तो राजीव जी को संभालने वाले भी यही थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, राजीव जी को संभालने वाले पूरे परिवार को संभाल
संभालने वाले यही थे, और ये बहुत खुद भी एक बहुत हिम्मतदार व्यक्ति थे, जो हिम्मतदार व्यक्ति ही हिम्मत दे सकते हैं। ठीक है सर।